अब देखते हैं कि लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। अरुणोदय आगे चल रहे थे। अरुणोदय शर्मा, क्या बात है अरुणोदय? सर, इससे पहले कि बातचीत का खेल शुरू हुए, मैं एक चार पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ। हाँ, पढ़ दीजिए। डुबकिया सिंधु में गोता खोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सच ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हार नहीं होती, हार नहीं। क्या बात है, बहुत खूब भाई साहब। नौ साल की उम्र में 90 साल का अनुभव रखने वाले। बीच में बात किए। इनको रोकना मुश्किल हो जाएगा भाई साहब, एक बार ये बात करना शुरू करेंगे। दिन निकल जाएगा सर, तो 3-4 बार हूटर बज जाएंगे सर, लेकिन मेरी बातें खत्म नहीं होगी। अरुणोदय। यस सर। अच्छा ये बताइए कि किस तरह के गाने आपको पसंद हैं? सर मेरे तो करोड़ है, ऐसे मैं अभी बता नहीं सकता, नहीं तो दिन निकल जाएगा सर, तो 3-4 बार हूटर बज जाएंगे सर, लेकिन मेरी बातें खत्म नहीं होगी सर। अच्छा चलिए एक गाना गा दीजिए हमारे लिए, इतने गाने पसंद हैं आपको। ओके सर। जहाँ चार यार मिल जाए वही रात हो गुलजार, जहाँ चार यार महफिल रंगीन जिन जमे धौर चले धूम मच मस्त मस्त नजर दिखे नए चमत्कार, जहाँ चार यार। सर इसी के साथ साथ जनता का एंटरटेनमेंट भी हो गया थोड़ा थोड़ा। क्योंकि मेरे सपने कब चेंज होते हैं मुझे खुद नहीं पता, अभी तो पता नहीं भविष्य में क्या करेंगे। केबीसी आप नहीं देखते हैं क्या? सर केबीसी तो हम इतना देखते हैं जी क्योंकि आप है उसमें, अगर जी कोई और होता तो इतनी पॉपुलैरिटी बन ही नहीं सकती थी सर। आपके बोलने का तरीके और आपके अंदर जो बुद्धि है, जितना भी ज्ञान आपने प्राप्त किया है, yes, sir. ऐसे लगता नहीं कि आप 9 वर्ष के हैं। सर आप अकेले आदमी नहीं है जिन्होंने मुझे ये कहा है। अरुणोदय जी जल्दी से आपको खेल के नियम बता दीजिए। आपने तो हमारे एकदम हालत खराब कर दी है। सर जब आपके पास कुछ बोलने के लिए नहीं होता है तब आप खेल के नियमों पर ही आते हैं सर, मैंने देखा है। यही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप सुबह कितने बजे उठते हैं? सुबह? हाँ जी भैया ऐसा है, हाँ जी। आपको बता दें, हाँ जी। जब आप हमारी उम्र के होंगे, हाँ जी। तो रात में कम से कम 3-4 बार उठना पड़ेगा आपको। तो हमारी नींद जो है वो खुलती रहती है 3-4 बार। तो वैसे अगर पूछा जाए तो अभी यहाँ जैसे आज आना था खेल शुरू करने से पहले, तो 5:30-6 बजे उठना पड़ता। तो सर आपने सनराइज तो देखा ही होगा ना सर, सूर्योदय? हाँ सूर्योदय देखा। तो उस सूर्योदय होने से पहले आकाश में एक जो लालिमा सी छाती है ना सर, उसको अरुणोदय बोलते हैं। और जो मेरे भाई का नाम है, उसका नाम है अभ्युदय। अभ्युदय का मतलब होता है सूर्य का उदय होना, और मेरा मतलब होता है सूर्य के उदय होने से पहले वाली लालिमा। क्या बात है भाई साहब, आपके बोलने के तरीके और आपके अंदर जो बुद्धि है, जितना भी ज्ञान आपने प्राप्त किया है, यस सर, ऐसे लगता नहीं कि आप 9 वर्ष के हैं। सर आप अकेले आदमी नहीं है जिन्होंने मुझे ये कहा है। इनसे कोई भी प्रश्न पूछना जो है
पता नहीं क्या बम आने वाला है उधर से। ओके, आप बड़े होकर के क्या करेंगे? सर ऐसा है, मैं अभी आपको अच्छे से बता नहीं सकता क्योंकि मेरे सपने कब चेंज होते हैं मुझे खुद नहीं पता। अगर ये मैंने अदालत का प्रोग्राम देख लिया तो मुझे जज बनना है, अगर जो है बिजनेसमैन का प्रोग्राम देख लिया मुझे बिजनेसमैन बनना है, आईएएस का प्रोग्राम देखना आईएएस बनना है, डॉक्टर तो मैं बिल्कुल बनना नहीं चाहता हूँ और पॉलिटिशियन भी नहीं। लेकिन सिंगर बन सकता हूँ मैं। क्या बनना चाहते हैं? सिंगर, गायक। गायक बनेंगे आप? ये सब बन सकते हैं, अभी तो पता नहीं भविष्य में क्या करेंगे। केबीसी आप नहीं देखते हैं क्या? सर केबीसी तो हम इतना देखते हैं जी, जब मैं छोटा बच्चा था तो जब पापा मम्मा न्यूज देखते थे, जब ये छोटे बच्चे थे। हाँ जी, तो जी आजकल भी तो देखते ही है, आपका शो इतना हिट है क्योंकि आप है उसमें, अगर जी कोई और होता तो इतनी पॉपुलैरिटी बन नहीं सकती थी सर। आप इस शो में, तब ये शो चल रहा है सर। जी जल्दी से आपको खेल के नियम बता दो क्योंकि आपने तो हमारे एकदम हालत खराब कर दी है। सर जब आपके पास कुछ बोलने के लिए नहीं होता है तब आप खेल के नियमों पर ही आते हैं सर, मैंने देखा है। ए भगवान, किन बच्चों से पाला पड़ गया है हमारा। ओहो, ऑलराइट, स्वभाव है वो एकदम बुजुर्गों जैसा है, आपने देखा है सर कभी? बचपन से जो है मैं बुजुर्गों और जानवरों है ना, इन दोनों चीजों के साथ मैं बचपन से ही कनेक्टेड हूँ बहुत ज्यादा। अच्छा। मतलब जैसे अगर कोई बुजुर्ग है शादी में है तो जी थोड़ी सी अगर हमने बात कर ली तो हमारी आधे घंटे से पहले बात खत्म नहीं होती सर, बात रुकती नहीं है सर हमारी। कितने बुजुर्गों के साथ आप की मुलाकात होती है? आप जी ये नहीं बता सकते, हम जितने रिश्तेदार आते हैं उन सब के साथ बातचीत होती है, पापा मम्मा से ज्यादा बातचीत रिश्तेदारों के साथ तो मैं ही करता हूँ। अच्छा। मम्मा पापा तो बस देखते रहते हैं। हे भगवान, तो आपको हम बता दें कि जैसे हमने कहा था ये पहाड़ आपको पूरा करना होगा, अगर इसको चढ़ना पड़ेगा तो 15 प्रश्न है, मतलब कि 15 प्रश्न पे 1 करोड़ पॉइंट्स अगर आप जीत गए तो एक और आपको उपहार मिलेगा, इसके बारे में बता दें। 1 करोड़ पॉइंट्स जीतने पर इनको और इनके परिवार को हुंडई की तरफ से इंडियाज मोस्ट स्टाइलिश एडवांस टेक एंड इनोवेटिव हुंडई कार भी मिलेगी। जहाँ चार यार में जाए वही रात हो गुंजार, जहाँ चार यार, जहाँ चार यार में जाए वही रात हो गुंजार, जहाँ चार यार महफिल रंगीन जमे, महफिल रंगीन जमे, धौर चले धूम मचे, मस्त मस्त नजर दिखे नए चमत्कार, जहाँ चार यार। क्या बात है सर, आपकी शराबी फिल्म का गाना है। अच्छा सुनिए, हम आपका एक इम्तिहान लेना चाह रहे हैं। यस सर। हम कुछ गाने बजाएंगे। यस सर। पूरा गाना नहीं बजाएंगे। यस सर। मतलब जैसे, हाँ कैसे, मतलब जैसे उसका संगीत बजाएंगे, आपको बताना होगा कि वो गाना क्या है। ओके, समझ गए ना? यस यस, समझ गया। गाने की जो धुन है, ट्यून, बिल्कुल वही ट्यून बनाएंगे। अच्छे, समझ गया सर। यानी आपने हमको बोल भी दिया है कि कैसे बोलना चाहिए, ट्यून सुनाएंगे आपको। तो हम आपको ट्यून सुनाएंगे, आपको बताना पड़ेगा ये गाना क्या है, ठीक है? पहला गाना बजाया जाए। सर जो तेरा चकरा या दिल डूबा जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। एक और। यस सर। बजाया जाए गाना। सर एक प्यार का नगमा है सर, इसी के साथ साथ जनता का एंटरटेनमेंट भी हो गया थोड़ा थोड़ा। जनता बड़ी, जनता मन में गुनगुना रही थी। ऑलराइट भाई साहब, एक छोटा सा ब्रेक लेने का समय आ गया। सर।
देखो संजय, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हालांकि ब्रेक लेने का मन नहीं कर रहा, लेकिन ये नियम है हमारे खेल का, बहुत जल्द वापस आए।